आयोग ने पहल करते हुए शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल की लॉन्चिंग केंद्रीय विधि न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा राजधानी दिल्ली में शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई। नेशनल मीडिया सेंटर में पोर्टल की लॉन्चिंग करते हुए केंद्रीय विधि न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया के जरिए लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए उनका मंत्रालय आयोग की पूरी मदद करेगा। डिजिटल इंडिया आज देश के लोगों को सशक्त कर रहा है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सीएससी को चुना है। सीएससी के माध्यम से जो बच्चों ने काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, तो आपके इस पोर्टल को बहुत सफलता मिलेगी। तो मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि इनको पूरा सहयोग किया जाए। इस अवसर पर केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने इस पोर्टल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करते हुए कहा कि पीड़ित की घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो, समय पर पीड़ित को न्याय मिले और फरियादी की समस्या का सार्थक समाधान हो, इसी उद्देश्य के साथ पोर्टल में ऑडियो वीडियो सहूलियत के साथ शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें ऑडियो की क्लिपिंग भी अटैच की जा सकती है। इसमें जहां वीडियो की क्लिपिंग भी अपलोड हो सकती है और इसमें वो ग्रीवेंसेस के रूप में भी है, एविडेंस के रूप में, फाइल के ऊपर कब क्या हुआ ये जानकारी उसको पूछने की बजाय उसको घर बैठे मिलेगी। जैसे इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की है और इस पोर्टल को हम उनसे भी जोड़ना चाहेंगे। शिकायत प्रबंधन पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हालदार ने इसे दलित वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं आयोग के अन्य सदस्यों ने पोर्टल को डिजिटल माध्यम से घर बैठे शिकायत दर्ज कराने व शिकायत निवारण का त्वरित और पारदर्शी माध्यम बताया। घर बैठ के ये लोग अभी इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और इसी में कार्रवाई भी हो सकेगा। कोई आधिकारिक भी अब बोल नहीं सकेगा मेरे पास कंप्लेंट नहीं है, फाइल ढूंढने का ऐसा बहाना भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक स्पेसिफिक वे है। जो कंप्लेंट आएगा संग संग उसका डिपार्टमेंट में चला जाएगा, चलने के बाद वो टाइम बाउंडिंग होगा, इतना दिन के अंदर का जवाब दे करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया हो ही रहा आप जानते हैं और इसके कारण ये बहुत ही बेनिफिट होगा इसमें, और महिलाओं को खासकर जो मुझे लगता है क्योंकि मैं एक सांसद के रूप में भी पार्लियामेंट में रही हूँ, महिलाओं को इसमें हेल्प जरूर मिलेगी। ऑनलाइन अपनी शिकायत करेंगी, हमारे डायरेक्टर कैडर के लोग बैठे होंगे जो उसको देखेंगे और हमारी कोशिश भी होगी कि इसमें न्याय मिले, क्योंकि ये भी कमीशन ही न्याय के लिए है। ये पोर्टल के अंदर जो भी शिकायतकर्ता अपना शिकायत करेगा उसको रजिस्ट्रेशन आएगा, उसका ओटीपी नंबर, उसका ऑलरेडी उसको रजिस्ट्रेशन हो गया करके उसको मैसेज जाएगा और वो मैसेज जाने के कारण जो अधिकारी जो रहेगा वो जवाबदेह रहेगा कि उसकी फाइल कहाँ कहाँ कौन से कौन से टेबल पे, उसको मैसेज द्वारा या मेल द्वारा बताया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय कुमार सांपला ने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने व पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसी क्रम में आयोग द्वारा इस शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। शिक्षा का अधिकार देश में हर किसी को है।